मैया बोलो। जय श्री नारायण प्रभु जी। जी मेरा एक बोलो दो सवाल हैं मेरे। क्या जी, आपने बोला था एक बार कि आपके 1 करोड़ मंत्र हो जाएं, तो मैं आपको उन मंत्र के एक एक अक्षर का शब्द ठीक है तो मतलब मैं माला से बैठ जाओ मेरी माँ जा खुश रही। क्या कह रहे, थोड़ा जोर से बोलिए। आपने बोला था एक बार कि 1 करोड़ मंत्र आपके हो जाएं, तो मैं आपको अर्थ बताऊंगा। एक हाँ, करोड़ नाम मंत्र अर्थ कल सुबह 8 बजे आ जाना, बताएंगे। जी नहीं, मैं मंत्र ले चुकी हूँ हाँ, लेकिन मैं लगातार नहीं कर पाती, चलते फिरते कर पाती, सुबह सुबह नहीं कर कोई पाती। बात नहीं, यदि 1 करोड़ जाप हो गया है तो मंत्रार्थ मंत्र का अर्थ मैं कल बता दूंगा आपको। नहीं तो कैसे पता लगेगा हमारा 1 करोड़ हो गया, गिनती कितने वर्ष हो गए मंत्र लिए? 2 साल हो गया। 2 साल नित्य दिन में कितना जपती हो? जी 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है। जपते हैं जी? ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लो ना कितनी माला रोज करते हो, कितना उससे साल भर का अंदाजा लग जाएगा। नहीं माला नहीं करती मैं, ऐसे ही चलते फिरते कर लेती हूँ हाँ। माला लेकर नहीं हो पाता। अच्छा ये बताओ, जब आप किसी काम में बिजी रहती हैं और अचानक मुँह से कुछ निकलता है तो भगवान वही नाम मंत्र निकलता है? जी जी जय श्री नारायण वही निकलता है। जी जी हाँ, तो फिर जब देखो 1 करोड़ जाप हो जाने की पहचान है, जब आप मंत्र को 1 करोड़ बार जप लेते हैं तो अनायास, जैसे आपने जैसे डकार आती है ना जी, तो डकार में लोग राम बोल देते हैं, कई बार नींद में कोई लोग बड़बड़ाते हैं, तो जब आपका मंत्र 1 करोड़ जाप हो जाएगा तो वो जब आप नींद में बड़बड़ाएंगे तो बड़बड़ाने में भी मंत्र ही बड़बड़ाएंगे, ये पहचान है। मतलब बिल्कुल सोते समय भी वो मंत्र निकल जाए तब समझ लो कि करोड़ों जप हो चुका है। फिर उसका आपने बोला था अर्थ बताऊंगा मैं, वो अर्थ बताएंगे ना सुबह। जी मैं आज जा रही हूँ, हैदराबाद से आई हूँ, नेक्स्ट जब आना तब सुन लेना। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि संत जी, मतलब एक कहानी है कि संत जी को बिच्छू ने काटा था हाँ, तो बार बार उन्होंने माफ़ किया हाँ, और एक तरफ भगवत जी में ये कहा जाता है कि भगवान ने शस्त्र और शास्त्र दोनों ले रखे हैं हाँ, तो दोनों का मैच कैसे करेंगे? हाँ तो भगवान ने भी तो शिशुपाल को 100 बार माफ़ किया, फिर हमें क्या करना है? 100 बार आप भी माफ़ करो, और जब ना माने तो फिर सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा। जय श्री मंडल हाँ, आपको भी तलवार उठाना पड़ेगा। गुरुदेव राधे राधे जी, हम बरेली से आए गुरुदेव आपके दर्शनों के लिए और कथा सुनने के लिए, और गुरुदेव हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और गुरुदेव हम आपकी रोज कथा सुनते हैं, और रोज कथा सुनते हैं गुरुदेव, सुबह को भी माइक पे चलती है, सारी फैमिली सुनती है हमारी, और गुरुदेव हमारे आपकी कथा से हमें बहुत ज्ञान मिलता है। गुरुदेव हमें आपकी कथा से बहुत ज्ञान मिलता है। हमें आपकी 2 बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आप बोलते थे ना कि नौकरी नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, तो गुरुदेव पहले मैं यही सोचती थी कि मुझे नौकरी करना है, पर अब मुझे ये मैं सोचती हूँ कि मैं बिजनेस करूँगी। और गुरुदेव एक ये बात अच्छी लगती है कि आप ये बोलते हो कि हर परिस्थिति में जीना चाहिए हाँ, कि सुख में भी और दुख में भी, ताकि हमारे दोनों रास्तों पर चलना आना चाहिए। और गुरुदेव बस आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए कि मैंने ये सोचा है और ये मैं बिजनेस आगे कर भी सकूं। बिल्कुल, खूब बढ़िया बिजनेस करो।